तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ पावर बीआई में डेटा कनेक्टिविटी के बारे में। और ये वन टू वन क्लास में हमारे साथ रियान जी हैं पावर बीआई की कोर्स पे। तो रियान जी चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास से, जिसमें हम बात करेंगे पावर बीआई के अंदर किस तरीके से हम डेटा की कनेक्टिविटी करेंगे। तो लास्ट क्लास से मैंने बता दिया था कि उसमें डेटा कैसे एंट्री करेंगे, कैसे किसी एक्सेल से लेके आएंगे, कैसे किसी नोटपैड से लेके आएंगे, कैसे किसी पीडीएफ से लेके आएंगे और कैसे एक फोल्डर का डेटा, पूरा का पूरा डेटा कुलेट करके आएंगे। राइट सर? यस सर। उसमें ये भी बताया था मैंने आपको कि अगर आपका डेटा दो सीट्स पे हो तो कैसे आपस में कुलेट करेंगे, जिसमें हमने आपको अपेंड क्यूरी के बारे में समझाया था। अब चलिए उससे आगे बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि अब हमने डेटा कनेक्टिविटी तो कर लिया हुआ है, और डेटा कनेक्टिविटी में हमने लास्ट क्लासेस में सारी चीज़ कवर कर ली। आज हम बात करेंगे और डिफरेंट सोर्सेज से कैसे डेटा लेकर आया जाए इनके बारे में। तो पावर बीआई हम खोलते हैं। आवाज नहीं आएगी बैकग्राउंड से, मैं बैठा हुआ हूँ अलग। तो तो गेट डेटा में हम मोड पे आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में आज। रिलेशनशिप, राइट सर? ओके सर। रिलेशनशिप मतलब क्या होगा, इस चीज की एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि आप हमने आपको दो डेटा से टिपट निकालने के बारे में बताया था, सॉरी दो डेटा पे हम पावर कनेक्ट करना समझा दिया था। अभी भी हम दो डेटा पे ही बात कर रहे हैं, बट दो डेटा एक दूसरे से ये करता है, रिलेट करता है। दो डेटा जो है एक दूसरे से रिलेट करता है, तब कैसे करेंगे? तो चलिए इसके लिए हमें एग्जाम्पल डेटा क्रिएट कर देते हैं आपके लिए। दो या दो से ज़्यादा, जैसे हम यहाँ पे सेल्स का, हमने यहाँ पे ले लिया कि हमारे पास एक सेल्स का डेटा है। सेल्स के डेटा में हमारे पास मान लीजिए कि SID हो गया, डेट हो गया, PID हो गया, CID हो गया कस्टमर ID, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं क्वांटिटी। एक सिंपल सा डेटा आपके सामने हम जनरेट कर देते हैं। और रैन बिटवीन की मदद से हम यहां पे डेटा लिखा। और यहाँ पे हम सेम CID का भी सेम लेते हैं। तो क्विकली हम एक डेटा एक्सेल में बना के फिर उस पर लोड कर देंगे। ठीक है सर? ओके। रैन बिटवीन वह 1 से लेकर 9, टोटल सेल कितना है? ये सेल टोटल काउंट 990 है, तो हम इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना सर? ओके। एंटर डेटा में, नहीं तो फिर मुझे इसको फाइल को करना पड़ता है अगर डेटा 3000 सेल से ऊपर होता है। ठीक है? ओके। सेल्स हमने यहाँ पे लोड कर दिया। लोड हो गया हमारा सेल्स का डेटा। अब हमारे पास दूसरा डेटा जो है वो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे PID का डेटा है हमारे पास। PID है, नेम है एंड MRP है। तो प्रोडक्ट जो हमने लिया है, हमारे पास 5 प्रोडक्ट है और 5 प्रोडक्ट के नेम हमने यहाँ पे डाल दिया कि एक्सेल है, एक्सेस है, BI है, VBA है एंड SQL है। इनके प्राइस जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसको हम कॉपी करके एक नई एंट्री डेटा पे डाल देते हैं। हालांकि इसको हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्ट फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन एंटर डेटा में हमारा आ जा रहा है तो खामखाम फाइल से लिंक क्यों करें, पर आप जो है अपनी मर्जी से जो मीडियम यूज करना चाहे कर सकते हैं।
अब यहां पे तीसरा सीट हमारे पास कस्टमर का है, सी आई डी 1 2 3 4 5, नेम पूजा, बैक कर देता हूं और यहां पे सिटी नोएडा कानपुर। ठीक है, अब इसको भी कॉपी करके हमारा, सो हमने तीन डेटा ले लिया। अब क्या है कि तीनों डेटा जो है एक दूसरे से रिलेट करता है, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां पे सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए कि सिटी वाइज कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में सेल हुई है, इसका शो करना है। बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे डेटा में एक डेटा हमारा है जो कि सेल्स का है, जिसमें क्वांटिटीज दी गई है, तो उसमें हमारे पास सिटी नहीं है। और जिसमें हमारा क्वांटिटी, जिसमें हमारा प्रोडक्ट है, उसमें हमारा कस्टमर नहीं, क्वांटिटी नहीं है, तो तीनों अलग अलग सेल है। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है एक आईडी, सीआईडी इसमें है तो सेल्स के अंदर भी एक सीआईडी है, अगर प्रोडक्ट में सीआईडी है, पीआईडी है, तो सेल्स के अंदर भी पीआईडी है। तो मुझे इन तीनों डेटा को रिलेट करके एक यहाँ पे शो करना है। लेकिन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ डेटा भी पूरा आना चाहिए। दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं समझाऊंगा आपको। तो पहला तरीका ये हुआ कि आप डायरेक्ट रिपोर्ट में ऐसा कर सकते हैं कि आपने क्या किया, हालांकि इसने ऑटोमेटिकली जो है अपना ये ले लिया है, आप देखें तो पी आई डी और इसकी पी आई डी सी आई डी नहीं ले, तो फिर आपको यहाँ से उठा के ड्रॉप करना पड़ता, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अगर अब मैं जब रिपोर्ट बनाऊंगा, अब जब यहाँ पे मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, आप देखेंगे। अच्छा सर, एक मिनट, हाँ बोलिए। ये हाँ, ये जो कनेक्ट किया है डाटा तीनों, ये कॉपी करने के बाद खुद ही कनेक्ट कर लिया जी ना, हाँ, इसने पावर बी आई की फैसिलिटी होती है, जब दो डेटा आपस में कनेक्ट करते हैं तो फील्ड और डेटा टाइप के हिसाब से वो ज्वाइन कर देता है। बाद में आप यहाँ पे जाके उस ज्वाइन को वेरीफाई कर दें, अगर आपको लगा कि ये गलत किया है तो आप उसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर दें और दोबारा से ज्वाइन करवा सकते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है सर, जैसे मैंने वहाँ से डाटा इंसर्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जब मैंने पावर बी आई में एंटर डाटा में पेस्ट कर दिए तीनों। हाँ, मैंने आपके बाद, हाँ रियान जी, मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ कि जब आप पावर बी आई में चाहे डेटा को पेस्ट करें चाहे डेटा को इम्पोर्ट करें, जब मोर देन वन टेबल आप इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट करते ही वो चेक करता है कि किसके साथ कनेक्ट हो सकता है, किसके साथ ज्वाइन हो सकता है, इसको रिलेशनशिप कहते हैं, किसके साथ वो रिलेट हो सकता है। तो आपके जो एग्जिस्टिंग टेबल्स होते हैं उनके बीच में ढूंढता है और जो मैच करता है, तो मैच कैसे करता है, कॉलम की हेडिंग एंड डेटा टाइप, तो कॉलम की हेडिंग और डेटा टाइप उसको मैच कर जाता है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है। ओके सर, समझ गया, समझ गया ना। और आपको एक, आप जाके एक बार कनेक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं उसके। अब कनेक्ट होने से क्या हुआ कि अब मैं आसानी से रिपोर्ट बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स टेबल लिया और मैट्रिक्स टेबल लेने के बाद मैंने यहाँ कस्टमर से नेम लेके हमने डाल दिया, ठीक है, प्रोडक्ट से हमने प्रोडक्ट का भी नेम लेके इसको हम कॉलम में रख देते हैं, कॉलम में आ जाएगा पूरा, और सेल्स से हम यहाँ क्वांटिटी, सेल्स से यहाँ हम क्वांटिटी लेते हैं और इसको वैल्यू में डाल देते हैं, तो ये आपके सामने रिपोर्ट तैयार हो गया सर। ओके सर, क्लियर है। ओके सर, अब क्वांटिटी का इसने काउंट लिया है तो यहाँ सम लिया, हाँ सम लिया। अब इसमें क्या है कि और भी बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह हमें करने हैं, जैसे मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है कि होम में आइए और होम में आने के बाद चले जाइए ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा करते ही आप पावर क्यूरी पे चले आएंगे। पावर क्यूरी के अंदर यहाँ होता है आपका मर्ज क्यूरी। क्या होता है, हमने लास्ट टाइम अपेंड क्यूरी समझाया था, अब यहाँ आ रहा है मर्ज क्यूरी। मर्ज क्यूरी में जाइएगा, मर्ज क्यूरी एज ए न्यू पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मर्ज क्यूरी एज ए न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेबल आ जाएगा।
अभी इस टेबल में अब क्या है कि मुझे दो टेबल के पास लिंक चाहिए, तो हमने बोला कि सेल्स और कस्टमर, तो क्या रिलेशन है, तो सीआईडी रिलेशन है, राइट सर? इसकी सीआईडी और इसकी सीआईडी बोथ आर द सेम, और यहां पे हमने ओके कर दिया, ठीक है। अब मुझे सीआईडी का क्या क्या चाहिए, ये देखिए कस्टमर का क्या क्या चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आपके सामने है कि मुझे सीआईडी छोड़ के नेम और सिटी का चाहिए, ठीक है, कॉलन, तो यहाँ पे आ गया। तो जैसे आप ऐड करें लास्ट में एक कॉलन बन के आ जाता है। फिर वापस मुझे यहाँ मर्ज क्यूरी पे आते हैं। अब मर्ज क्यूरी पे हमारा मर्ज वन है, हमने बोला कि मर्ज वन का पीआईडी, और यहां से हमने बोल दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की पीआईडी बोथ आर द सेम एंड ओके कीजिए। अब यहां पे पीआईडी आ गया टेबल, अब इस पे आप क्लिक कीजिए और जो जो चाहिए आपको, मुझे पीआईडी छोड़ के नेम और सिटी चाहिए, हम ले लिए। अब चाहते हैं कि इसको अरेंज करना, जैसे कि पीआईडी के बगल में पीआईडी का नेम चाहिए मुझे, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो हमने उसको उठाया और अपना पीआईडी के साथ में रख दिया। सीआईडी के साथ में सीआईडी का नेम और सिटी चाहिए, तो हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से उठाया और सीआईडी के बगल में रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एमआरपी है वो उसके बाद ही है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम बन जाए, तो यहाँ ऐड कॉलम में जाए, कस्टम कॉलम, और यहाँ पे मैंने कर दिया टोटल, और टोटल में हमने बोला यहां पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, ठीक है, फाइनलाइज हो गया। देन इसको आप यहां से होम में आके लोड एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने जो नया डेटा मर्ज होके आया है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे मर्ज वन करके, इसको निरेम भी कर सकते हैं, उसमें पूरा डेटा एक तरफ है, पूरा का पूरा डेटा एक तरफ है। समझ रहा है सर? समझ रहे आपको आया समझ में सर? जी जी आ गया। तो इस तरह से हम डेटा को लोड कर सकते हैं। ओके। ठीक है सर? ओके सर। राइट सर? जी जी सर, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हमने अब हो गई हमारी एक्सेल, ये चीज़ जो हमने एक्सेल से किया है ना, आप किसी भी मीडियम से कर सकते हैं, समझे? ओके। देखिए जो मैंने बताया था फोल्डर वाला, या फिर जो बताया था आपको नोटपैड की, या जो मर्ज ओपन कोई बताई थी, जरूरी नहीं है कि एक्सेल में अप्लाई, एक्सेल के डेटा पे अप्लाई होगा, आप किसी भी टाइप के डेटा को कनेक्ट करते हैं उस पर इसका यूज हो सकता है। ओके। अब मैं थोड़ा सा इंटरनेट पे चलता हूँ, इंटरनेट में मैंने सर्च किया वर्ल्ड मोबाइल यूजर बाय कंट्री, समझे, और मुझे विकिपीडिया का एक लिस्ट मिल गया। अब मुझे इस डेटा को अपने पावर बीआई पे लेके आना है ताकि हम कुछ एनालिसिस कर सके, राइट सर? ओके सर। तो हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और चले जाएंगे अपने पावर बीआई के गेट डेटा के फ्रॉम वेब वाले सेक्शन में। वेब पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना यूआरएल को पेस्ट कीजिए, देन अब इसमें क्या है कि आईडी पासवर्ड हुआ, जरूरी नहीं कि ऐसा, इसमें आईडी पासवर्ड भी है तो आप आईडी पासवर्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है, पर आईडी पासवर्ड इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल साइड है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ओके। अब इसमें क्या है कि इसने देखा कि इसमें टेबल कितने हैं, क्योंकि इस टेबल के अकॉर्डिंग चलता है सर। ऐसे वेब व्यू में जाकर अपना वेबसाइट पूरा देख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा वेबसाइट नहीं आता, उसके अंदर के टेबल के डेटा आता है। तो हमारा यही टेबल है ना, 176 तक कंट्री थी, टेबल टू पे आते हैं तो
तो टेबल टू पे कुछ नहीं है, टेबल थ्री पे भी कुछ नहीं है, टेबल फोर भी कुछ नहीं है, मतलब हम है लेकिन हमारे हमारे काम का डेटा नहीं है जो कि हम चाहते हैं। तो हम यहाँ टेबल वन से दिया, हमने इसको टेबल वन को टिक कर दिया, और यहाँ पे कुछ इसमें चेंजिंग है, जैसे कि देखिए वर्ल्ड वर्ल्ड आ रहा है ना, वर्ल्ड का आ रहा है पूरा, आपको ये शुरुआत में टोटल दिखा रहा है, ये आपको नहीं चाहिए, तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ट्रांसफॉर्म डेटा पे आइए और वर्ल्ड वाले को सिलेक्ट कीजिए, नहीं इसमें डेटा डिलीट हो सकता है, कॉलम वाइज हुआ क्या सर? डिलीट जी एक मिनट एक मिनट, रिमूव रो दिख रहा है, जी रिमूव रो, रिमूव टॉप रो, रिमूव बॉटम रो, अल्टरनेट रो, रिमूव डुप्लीकेट, नहीं, सिलेक्टेड को रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है, नहीं इसमें आप रो डिलीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर रो डिलीट भी हो सकता है तो हम क्या करेंगे, एक तरीका और है हमारे पास, उसको फिल्टर कर देंगे, ठीक है, एंड ओके अप्लाई एंड क्लोज करते हैं, अप्लाई एंड क्लोज करते ही ये आपका पावर बीआई के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, आप चाहो तो टेबल में जाके इसकी डेटा को भी देख सकते हैं। ओके सर, ओके सर। चलिए तो आज की जो अभी तक की जो क्लासेस थी, जिसके मदद से हमने समझाया कि हमने डेटा कनेक्टिविटी का चैप्टर यहाँ पे खत्म कर लिया, बाकी और भी जैसे एसक्यूएल है, ऑरिकल है, ऐसे सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपके पास सिस्टम में नहीं है ना मेरे पास पूरा अवेलेबल है, तो लेकिन कनेक्ट करने का तरीका बिल्कुल सबका सेम है, आप कनेक्ट कर लीजिएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, हाँ बता दीजिएगा, मैं कर लूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके।